यूपी चुनाव के चौथे चरण की तैयारियों में तमाम राजनीतिक पार्टियां जुटी हैं, लेकिन भगवान राम को लेकर भी खूब राजनीति हो रही है। ऐसे में सपा प्रत्याशी अशफाक डब्लू ने खुलकर ये कह दिया कि हम भगवान राम के वंशज हैं और उनके आशीर्वाद से ही चुनाव जीतेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। अरे हम मुस्लिम हैं तो क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? अरे आप कहते हैं जय श्री राम, हम भी श्री राम के वंशज हैं भाई। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी सत्ता हासिल करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या बीजेपी सत्ता हासिल कर पाएगी। वैसे मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो तीन चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसे देखकर ये माना जा रहा है कि बीजेपी को इस बार बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जनता बीजेपी से नाराज़ है और ख़ास तौर पर जनता बीजेपी के खिलाफ ही वोट कर रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या 2022 में एक योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर कोई नया चेहरा उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।